हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। बीते 10 सालों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिसके कारण चाइना और रशिया काफी क्लोज आए हैं। अगर इसको हम बहुत ही लमसम तरीके से समझना चाहें तो जिस तरीके से यूएसए अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है, उन सभी देशों को ये रियलाइज हो गया जिनके संबंध यूएस के साथ अच्छे नहीं है कि अगर वो लोग किसी भी तरीके से एंटी यूएस या एंटी वेस्ट ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे तो उनका इंडिविजुअल तौर पर सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए रशिया और चाइना भी काफी क्लोज आए हैं। हालांकि ये एक तरीके से अच्छी बात भी है क्योंकि इससे यूएस के अथॉरिटी को चैलेंज पहुंचेगा, लेकिन अगर हम इसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है और अगर किसी भी तरीके से चाइना और रशिया अधिक क्लोज आता है तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। भारत रशिया से बढ़ चढ़कर हथियार खरीदता है और बहुत सालों से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है रशिया के द्वारा या इनफैक्ट भारत के द्वारा जहां पे किसी भी तरीके से दोनों देश एक दूसरे के इंटरेस्ट के सामने आए। वहीं पे अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट सिचुएशन का, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, तो भारत किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कि रशिया को ठेस पहुंचे। और जहां तक हम बात करें चाइना के बारे में भी, तो चाइना भी अब तक इस पूरे वॉर में कंप्लीट तरीके से न्यूट्रलिटी को मेंटेन किए हुए है। और अगर हम भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में बात करें तो लगभग 10 सालों से हमारे बीच में रिलेशन खराब है और आने वाले कम से कम 5 सालों तक भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि भारत और चाइना के बीच में संबंध अच्छे हो। संबंध अच्छे बुरे तब होते हैं जब लीडरशिप का चेंजेस होता है। भारत में भी आने वाले 5 सालों तक मोदी ही रहने वाले हैं और चाइना में भी प्रेसिडेंट शी ही रहने वाले हैं। और इसी बीच अगर किसी भी तरीके से भारत और चाइना के बीच में एस्केलेशन और बढ़ता है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि रशिया का पोजीशन क्या रहता है। और जहां तक बात किया जाए भारत और चाइना के बारे में, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि चाइना के पास रशिया को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। तो यहां से भी हमें एक चीज जो समझ में आता है एज एन इंडियन, वो ये है कि हमें बढ़ चढ़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये हमें कब मालूम पड़ता है कि दो देशों के बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं? तो इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि जब दोनों देशों के बीच में बढ़ चढ़कर हाई रैंकिंग लीडर्स जब जाना आना शुरू कर देते हैं और बढ़ चढ़कर वो एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं तो आप समझ जाए कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो रहे हैं। हालांकि रशिया और चाइना के बीच में भी आपस में काफी मतभेद है, लेकिन प्रेसिडेंट शी और व्लादिमीर पुतिन को ये समझ में आ गया है कि अगर उन सब जो डिस्प्यूट्स है, अगर उनको वो साइड नहीं रखेंगे तो उन सब जो डिस्प्यूट्स है उसका जो फायदा है वो यूएस और उसके अलाइज कंट्रीज उठाएंगे। ये है चाइना के प्रीमियर ली चैंग। प्रीमियर का मतलब चाइना में होता है प्राइम मिनिस्टर। और ये है रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुस्तिन। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये व्लादिमीर पुतिन के काफी क्लोज हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर भी वही बनाए हैं। तो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है कि अगर किसी भी देश के फॉरेन मिनिस्टर अगर जाते हैं तो उनको रिसीव या उनसे जो मेन बातचीत होता है वो उस देश का फॉरेन मिनिस्टर ही करता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो चाइना के प्रीमियर हैं वो आपस में मिल रहे हैं और कहा जा रहा कि रशिया और चाइना लगभग 2 दर्जन से भी अधिक अग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए हैं। जब 5वीं बार व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका जो सबसे पहला फॉरेन ट्रिप होता है वो चाइना ही होता है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आता है कि चाइना के अंदर उतना कैपेबिलिटीज था कि वो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस का जो प्रेशर है उसको वो हैंडल कर ले। और इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन को भी ये मालूम था कि अगर वो किसी भी तरीके से बीजिंग जाएंगे 5वीं बार प्रेसिडेंट बनने के बाद तो इस चीज को दुनिया काफी बढ़ चढ़कर देखेगा और एनालाइज करेगा। और खास करके अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, तो इस पूरे वॉर में चाइना बढ़ चढ़कर रशिया को लॉजिस्टिकल सपोर्ट किया है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट किया है मतलब प्राइमरीली मिलिटरीली सपोर्ट किया है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज को मालूम है। बहुत प्रेशर क्रिएट किया गया चाइना के ऊपर, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगा कि चाइना उन सब प्रेशर के सामने घुटने टेका है। अगेन इसके पीछे का भी जो वजह है वो बहुत ही सिंपल है कि चाइना इतना ज्यादा सामान को मैन्युफैक्चर करता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी क्षमता नहीं है कि वो चाइना के सामने आज के डेट में आंखें उठा के देखे। और साथ में अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में चाइना भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है। तो कहने का मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर भी वो अपने फेवरेबल कंट्रीज को वो चुन के रखा है। और जहां तक बात किया जाए प्रीमियर ली चिंग के बारे में, तो ये 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पे हैं, जहां पे ये 2 दिन रशिया में रहेंगे और ये 2 दिन बेलारूस में रहेंगे। इनका ऑफिशियल ट्रिप शुरू होता है 20 अगस्त से और वो खत्म होगा 23 अगस्त को, यानी कि 4 दिन। और जब ली चैंग रशिया में रहते हैं तो ये वहां के प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन से भी मिलते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि प्रेसिडेंट प्रीमियर से मिलते हैं। ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका साफ मतलब होता है कि दोनों देश काफी क्लोज आ रहे हैं। साथ में बीते 8 सालों
सालों में जो यूएस के दोनों प्रेसिडेंट रहे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, इनका जो लीडरशिप है वो गजब का फेल्ड लीडरशिप है, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। खास करके हमारे सामने अभी इसराइल का जो एग्जाम्पल है, अगर आप इस न्यूज को खुद से ही इंडिविजुअल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गजा में 100% पॉपुलेशन अफेक्टेड हुआ है इसराइल के अटैक में, और इसके बारे में कहले तो यूएस कंप्लीट तरीके से खामोश बैठा है। ये सिर्फ खामोश ही नहीं बैठा है बल्कि ये प्रॉपर एक जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा, ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर रहा, ये पैसे दे के सपोर्ट कर रहा, ये वेपन से सपोर्ट कर रहा। तो ये सारे जो चीज है वो पूरे दुनिया को दिखाई पड़ रहा। तो अगर आप किसी भी तरीके से आप ये क्लेम करते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल देश है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी को दिख रही है। और वहीं पे अगर आप बात करें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, तो सिंगल हैंडेडली यूक्रेन को कुछ ऐसा दिखा दिया गया है जैसे कि यूक्रेन बहुत ही इनोसेंट है और रशिया या व्लादिमीर पुतिन बहुत ही एविल किस्म के इंसान है। भारत के भी कुछ कंपनीज के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाया है जो कुछ ऐसे सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं या रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं जिसका ड्यूअल पर्पस में इस्तेमाल हो सके, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हो गया जिनका इस्तेमाल पब्लिक पर्पस में भी होता है और जिसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस में भी होता है, और ऐसा ही कुछ काम किया गया है चाइना के कंपनीज के ऊपर भी। लेकिन जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जितना चाइना के कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है यूएस के द्वारा, उसके जवाब में चाइना ने भी कुछ यूएस के कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया है। और अगर हम बात करें यूएस और चाइना के बारे में, तो यूएस में जितने भी जो ड्रोन्स बिकते हैं उसका लगभग जो 70% है वो चाइनीज ड्रोन्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि चाइना इतना ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर करता है और इतना हाई क्वालिटी करता है और कम कीमत में करता है कि यूएस कंपनीज के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द है। तो अगर हम इस चीज को कनेक्ट करना चाहें, तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप बस एक महज इंपोर्टर देश ही बन जाएंगे और सामने वाला देश अपना हिपोक्रेसी को दिखाता रहेगा, और कहीं ना कहीं हमें उस चीज को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी यूएस में चुनाव होने वाले हैं, तो बढ़ चढ़कर जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट है उनमें एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं। उसी में से अगर आप एक स्टेटमेंट को देखेंगे तो जहां पे जो बाइडेन ये कहते हैं कि इस पूरे दुनिया को यूएस के अलावा कौन लीड करेगा, तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि कितना अहंकार बसा हुआ है यूएस के अंदर, जहां पे उसे ये लगता है कि ये दुनिया सर्वाइव ही कर रहा है यूएस के वजह से। तो ये सारे स्टेटमेंट्स को भी हमें बहुत ही क्लोज तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा और करना चाहिए इनफैक्ट, ताकि हमें ये समझ में आए कि सामने वाला देश कितना ज्यादा अहंकारी है और कितना अधिक अपने आप को बड़ा समझता है। बीते 10 सालों में ऐसा नहीं है कि रशिया सिर्फ चाइना के ही क्लोज गया है, बल्कि ये नॉर्थ कोरिया के भी काफी क्लोज गया है। और जहां तक हम बात करें नॉर्थ कोरिया और चाइना के बारे में, तो दोनों देशों के बीच में संबंध इतने अच्छे नहीं है। जहां पे हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि रशिया एक रिस्पॉन्सिबल देश है, लेकिन वहीं पे अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करें तो ये कितना रिस्पॉन्सिबल है हम सभी को पता है। और चाइना और नॉर्थ कोरिया काफी क्लोज पड़ते हैं और उनका जो बहुत बड़ा जो एरिया है वो आपका समुद्र से लगता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरफ चाइना पड़ जाता है और इस तरफ नॉर्थ कोरिया पड़ जाता है, तो बीच में जो बॉर्डर है इनका बहुत हद तक वो कॉमन बॉर्डर हो जाता है। तो किसी भी तरीके से चाइना ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया के संबंध अच्छे हो। और इसी बीच वैसे देशों के साथ चाइना अपने नजदीकी को खूब बढ़ाया है जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। अगर आप व्लादिमीर पुतिन का कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन रशिया को यूएसएसआर बनाना चाहते हैं और उन सभी देशों को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं जो किसी भी तरीके से यूएसएसआर का हिस्सा था। तो अगर चाइना यूएसएसआर से टूटे हुए देशों के साथ अपने संबंध को अच्छे करेगा तो वो चीज कभी भी रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से व्लादिमीर पुतिन को चाइना का सपोर्ट चाहिए, और खास करके इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, और ये बात चाइना को भी पता है, और इसीलिए चाइना रशिया को सपोर्ट भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो जो यूएस है या वेस्टर्न कंट्रीज है उसका पेशेंस को भी टेस्ट कर रहा और देख रहा कि किस हिसाब से वो सारे देश रिएक्ट करेंगे। इसी बीच जो हमारे लिए सीखने वाली बात है वो ये है कि हमें बढ़ चढ़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए, तभी जाके हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।